हेलो दोस्तों, टेलीविजन इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक ऐसे एक्टर हैं जो काफी पॉपुलर है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे पर्सनालिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीत लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टेलीविजन इंडस्ट्री के मोस्ट हैंडसम, चार्मिंग और टैलेंटेड एक्टर आशीष शर्मा के बारे में। इन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के बदौलत इंडस्ट्री में अपना एक अलग ही पहचान बना लिए हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको आशीष शर्मा के लाइफस्टाइल और बायोग्राफी बताने वाले हैं। आशीष का फुल नेम आशीष शर्मा है और इनके फैमिली और फ्रेंड्स इनको प्यार से सनी बुलाते हैं। आशीष का जन्म 30 अगस्त 1984 को जयपुर राजस्थान में हुआ था और साल 2022 के हिसाब से ये है 38 साल के। आशीष ने अपनी स्कूलिंग एजुकेशन इंडिया इंटरनेशनल स्कूल से कंप्लीट की। स्कूल कंप्लीट हो जाने के बाद इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली से फैशन डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। आशीष बचपन से ही एक एक्टर बनना चाहते थे, जिसके बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मॉडलिंग स्टार्ट कर दी। मॉडलिंग के साथ साथ ये कई साल तक थिएटर भी करते रहे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इनके करियर की। आशीष ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2010 से हिंदी फिल्म लव सेक्स और धोखा से स्टार्ट की थी और इस फिल्म में इन्होंने साहिद के कैरेक्टर को प्ले किया था। इसके बाद सेम ईयर यानी कि साल 2010 में ही इन्होंने टेलीविजन डेब्यू भी किया टीवी सीरियल गुनाहों का देवता से। इसके बाद साल 2011 से साल 2012 तक टीवी शो चंद्रगुप्त मौर्य में एक्टिंग किए। इसके बाद साल 2012 में फिल्म जिंदगी तेरे नाम और द अंडरटेकर में नजर आए। इसके बाद साल 2012 से साल 2013 तक टीवी सीरियल रब से सोना इश्क में काम किए। इसके बाद ये साल 2013 से लेकर साल 2014 तक टीवी सीरियल रंग रसिया में भी नजर आए और इस सीरियल में इन्होंने रुद्र के लीड कैरेक्टर को प्ले किया था। इसके बाद साल 2014 में इन्होंने डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 7 में पार्टिसिपेट लिया और ये इसके विनर भी बने। इसके बाद आशीष ने रेडियो शो तुझसे नाराज नहीं जिंदगी को भी होस्ट किया। साल 2015 में आशीष सीरियल सिया के राम में नजर आए। इसके बाद ये लगातार 2 साल तक टीवी सीरियल्स और फिल्म से ब्रेक ले लिए, कहीं भी नजर नहीं आए। इसके बाद साल 2018 में ये सीरियल पृथ्वी वल्लभ में काम किए। इसके बाद इन्होंने अपना डिजिटल डेब्यू किया साल 2019 में वेब सीरीज मोदी जर्नी ऑफ अ कॉमन मैन और इस सीरीज में इन्होंने मोदी के कैरेक्टर को ही प्ले किया था। और हाल ही में आशीष शर्मा की फिल्म हिंदुत्व भी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इन दिनों ये फिल्म काफी ट्रेंड कर रही है। बात करें इनके फैमिली की तो इनके फादर का नाम है अश्विन शर्मा और इनका एक बड़ा भाई भी है। बात करें इनके पर्सनल लाइफ और लव लाइफ से जुड़ी तो बता दे आशीष शर्मा मैरिड हैं। इन्होंने साल 2013 में टीवी एक्ट्रेस अर्चना टाडिया से शादी की और ये एक दूसरे को काफी लंबा टाइम तक डेट भी किए थे। बात करें इनके कार कलेक्शन की तो आशीष शर्मा गाड़ियों के काफी शौकीन है और इनकी पहली कार कलेक्शन में है टाटा XUV 500 जिसकी कीमत है लगभग 13 लाख रुपए और दूसरी कार है इनके पास मर्सिडीज बेंज जिसकी कीमत है लगभग 50 लाख रुपए। बात करें आशीष शर्मा के इनकम की तो बता दे ये पर एपिसोड में काम करने के लिए लगभग 50,000 से लेकर 1 लाख तक चार्ज करते हैं। और वहीं बात करें आखिरकार ये फिल्मों में काम करने के लिए कितना चार्ज करते हैं तो एक फिल्म करने के लिए लगभग 1 करोड़ तक चार्ज करते हैं। फिल्म और सीरियल के अलावा इनका इनकम ब्रांड इंडोर्समेंट और ब्रांड प्रमोशन से भी होता है। बात करें इनके नेटवर्थ की तो आशीष शर्मा का टोटल नेटवर्थ है लगभग 10 करोड़ रुपए। तो फ्रेंड्स, ये थी आशीष शर्मा के लाइफस्टाइल से जुड़ी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।